आज से संसद का बजट सत्र हुआ शुरू। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से की गई। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सैनी ने MLC का लिया शपथ। इस दौरान CM, डिप्टी CM समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज विधान परिषद का मैं सदस्य शपथ लिया हूं और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे हमारे NDA गठबंधन के तमाम टॉप नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी जन्मभूमि बिहार में सेवा का अवसर दिया है। तेजस्वी की मानव श्रृंखला पर सियासत जारी। मांझी ने तेजस्वी पर लगाया आरोप, कहा किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को दिलवाएंगे न्याय। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। CBI ने झारखंड हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए मांगा समय। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ की बैठक। मानव श्रृंखला अभियान की गई समीक्षा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है उनकी पार्टी। जमशेदपुर में ठंड के बीच हुई बारिश ने गिराया तापमान, लोगों का जीना हुआ मुहाल। ठंड से घर में दुबके लोग। लातेहार जिले के बालूमात में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ की गई बैठक। इस दौरान कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मसौढ़ी प्रखंड के विरांची मोड़ के पास एक पुरोहित के साथ परिवार वालों ने की धोखेबाजी। रिश्तेदारों ने धोखेबाजी से घर बेचकर पुरोहित को किया बेघर। सीतामढ़ी में मानव हड्डियों और खोपड़ियों के साथ एक गिरफ्तार पकड़ा गया अपराधी। हड्डियों और खोपड़ियों को ले जा रहा था नेपाल। सुपौल के बीरपुर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या, प्रेमिका के भाई ने दिया घटना को अंजाम। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे को किया गिरफ्तार। लातेहार के बरवाडी में संयुक्त ग्राम मंच के बैनर तले दिया गया 1 दिवसीय धरना। इस दौरान हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला गया। मुंगेर जिले के तारापुर दियारा क्षेत्र में नीलगाय मारने से मना करने पर तस्करों ने किसान को गोली मारकर की हत्या। वहीं मृतक के परिजन ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर अज्ञात अपराधियों पर किया FIR दर्ज। लातेहार के बालूमाथ में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली। रांची में HEC कारखाने में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर नाराज चल रहे कर्मियों ने बंद किया कारखाने का काम। इस दौरान कारखाने में उत्पादन का काम पूरी तरह से हुआ ठप। देखिए, प्रबंधन जिस तरह से मजदूरों के साथ कर रही है ये उचित नहीं है। 3-3 महीने से वेतन रोकने का मतलब जो है बहुत उसका बुरा असर लोगों पे पड़ रहा है। सरायकेला के आदित्यपुर में हुई नगर निगम की 10वीं बोर्ड की बैठक। इस दौरान 15वें वित्त आयोग एवं नगर विकास विभाग के मध्य नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं पर की गई चर्चा। नगर निगम की 10वीं बोर्ड बैठक थी जिसमें 15वीं वित्त और नगर निगम का मध्य नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई जिसमें प्रमुख रूप से मुंगेर में CRPF कमांडेंट ने जरूरतमंदों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। वहीं कैंप को सफल बनाने की ग्रामीणों से भी की गई अपील। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के पहले 1.5 लाख वोटर के नाम हुए गायब। जनप्रतिनिधियों में दहशत का माहौल। फिलहाल अधिकारी कर रहे मामले की जांच। मैं कुछ समय में बता देना चाहता हूँ कि मतदाता सूची का जो प्रारूप है ड्राफ्ट का प्रकाशन 19 जनवरी को हुआ था और इसकी अवधि 1 फरवरी तक रहेगी और उसके विरुद्ध में जो दावा आपत्ति की बात आती है तो 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये दावा आपत्ति लिया जा रहा है। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। संयुक्त छापेमारी के दौरान बनगांव पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। वहीं शराब तस्कर मौके से फरार। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर किया काम का बहिष्कार। सूबे में नहीं थम रही अपराध की घटनाएं। ताजा मामला सुपौल का है जहां तालाब के किनारे का धेड़ का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। वहीं सदर DSP कुमार इंद्र प्रकाश मौके पर पहुंचकर घटना की ले रहे जानकारी। पटना के रूपसपुर पुलिस ने एक मकान के गैरेज से 127 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। सरायकेला के कमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौंदर्यकरण के नाम पर हो रहा मौत का खेल। प्रभारी प्रमिला कुमारी और अकाउंटेंट के आदेश पर पुराने भवन को तोड़कर पुराने ईंट से की जा रही सौंदर्यकरण का काम।
सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में तैनात बिचौलिए को प्रभारी उपाधीक्षक ने रंगे हाथों पकड़ा, कार्रवाई करने का दिया निर्देश। बिहार में 8 फरवरी से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल, 50% छात्रों को आने की होगी अनुमति।